ओके okay. तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सील्ड क्लासेस इन सीशा। तो हमारे पास सील्ड क्लास का पर्पस क्या है सीशा के अंदर, हम आज वो कवर करने वाले हैं। सो सील्ड क्लासेस आर यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द इनहेरिटेंस फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास सील्ड क्लास को हम यूज करते हैं क्यों, क्योंकि हमारे पास जब भी आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि वहां पे आप एक क्लास के फीचर्स दूसरे क्लास के थ्रू क्या कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो। इससे ये होता है कि आप किसी भी क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हो अगर वो प्राइवेट नहीं है, राइट। एज इट इज हमारे पास अगर आप किसी भी क्लास को सील्ड नहीं करते, आप डायरेक्ट डिफाइन कर देते हो, जैसे हमारे पास नॉर्मल क्लासेस होते हैं या एबिस्ट्रिक्ट क्लासेस होते हैं, तो वो सारे क्लासेस आपको इनहेरिटेंस अलाउ करते हैं। अब वंस अ क्लास इज डिफाइंड एज अ सील्ड क्लास, दिस क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो अगर आपने किसी भी क्लास को एज अ सील्ड क्लास बना दिया, यानी कि आपने किसी भी क्लास को डिक्लेयर करने से पहले सील्ड कीवर्ड दे दिया, तो वो वाला क्लास आपका इनहेरिट नहीं होगा। इन सी शार्प द सील्ड मॉडिफायर इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ क्लास एज अ सील्ड। तो हम एक सील्ड कीवर्ड होता है या मॉडिफायर होता है जिसको यूज करते हैं टू स्टॉप इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। सही है, आपको वैसे बता दूं तो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छा यूज करता है, कोड रियूजबिलिटी के लिए यूज होता है, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम एक अच्छे फीचर को रोक रहे हैं, है ना, स्टॉप कर रहे हैं इनहेरिटेंस को, वी आर गोइंग टू स्टॉप इनहेरिटेंस बाय यूजिंग सील्ड मॉडिफायर। तो अगर आप सील्ड मॉडिफायर के थ्रू किसी भी क्लास को इनहेरिटेंस से रोक रहे हैं, यानी कि आप एक फीचर को एक तरफ से क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन इसको स्टॉप क्यों कर रहे हैं या इसका पर्पस क्या है, वो भी मैं बताता हूं। अब इन विजुअल बेसिक डॉट नेट, यानी वीबी डॉट नेट की बात हो रही है, वीबी डॉट नेट हमारे पास है ना, डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर जो 40+ लैंग्वेजेस है उसमें वीबी डॉट नेट भी है। तो उसके अंदर इंस्टीड ऑफ सील्ड क्लास या सील्ड कीवर्ड हम यूज करते हैं नॉट इनहेरिटेबल, ये कीवर्ड है। वीबी डॉटनेट के अंदर एक कीवर्ड है नॉट इनहेरिटेबल कीवर्ड, जो आपका वही पर्पस सर्व करता है जो आपका सील्ड क्लास करता है, राइट। उसके बाद हमारे पास इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, क्लासेस कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ सील्ड बाय पुटिंग द कीवर्ड सील्ड बिफोर द क्लास डेफिनेशन। तो किसी भी क्लास को डिफाइन करने से पहले हम कौन सा कीवर्ड डिफाइन कर लेते हैं, सील्ड। सो व्हेन यू आर गोइंग टू डिफाइन एनी क्लास एज अ सील्ड क्लास, आफ्टर दैट दैट क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय एन अदर क्लास। लेकिन एक और बात, ये क्लास खुद तो इनहेरिट नहीं होने देगा, लेकिन ये किसी और को इनहेरिट कर सकता है। समझ में आ रहा है, ये एज अ ऑलवेज पेरेंट क्लास रहेगा, ये कभी भी आपका चाइल्ड क्लास नहीं, चाइल्ड क्लास तो बन सकता है लेकिन ये आपका ऑलवेज क्या होगा। ओके, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम एबस्ट्रिक्ट क्लासेस भी पढ़ते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपके आपको जो है एबस्ट्रक्शन के अंदर इंटरफेसेस एंड एबस्ट्रिक्ट क्लासेस, राइट। तो एबस्ट्रिक्ट क्लासेस और अगर सील्ड क्लासेस की बात की जाए तो इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले सील्ड क्लास कैन नॉट बी यूज एज अ बेस क्लास, सील्ड क्लास कभी भी बेस क्लास यूज नहीं हो सकता क्योंकि कभी इनहेरिट होगा ही नहीं। समझ में आया, यानी इसके चाइल्ड क्लासेस या ड्राइवेड क्लासेस कभी बनेंगे ही नहीं, ये खुद को इनहेरिट होने ही नहीं देगा, या अपने मेंबर किसी भी क्लास को ये नहीं देगा। ये ऐसा समझ लो जैसे हमारे पास जावा के अंदर फाइनल कीवर्ड के साथ आप क्लास बना देते थे, राइट। उसके बाद फॉर दिस रीजन इट कैन नॉट ऑल्सो बी एन एबस्ट्रेक्ट क्लास, ये माइंड में रहे कि किसी भी सील्ड क्लास को हम एबस्ट्रेक्ट क्लास नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, एबस्ट्रेक्ट क्लास, क्योंकि अगर आप एबस्ट्रेक्ट बनाएंगे इसका मकसद इस क्लास के वेरिएबल्स या आप समझ लो उन मेंबर्स को जो बॉडी देंगे वो जो ड्राइव करेंगे वही देंगे। अब अगर ये क्लास इनहेरिट होता ही नहीं सील्ड क्लास, तो उसको आप एबस्ट्रेक्ट कैसे बनाएंगे। समझ में आ रहा है, तो हम उस क्लास को एज एबस्ट्रेक्ट नहीं बना सकते। अब सील क्लासेस प्रीवेंट ड्राइवेशन, आपको पता है कि हम इनहेरिटेंस को रोकते हैं बाय यूजिंग सील्ड कीवर्ड,
बिकॉज दे कैन नेवर बी यूज एज अ बेस्ट क्लास. कभी भी कोई सील्ड क्लास हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, एज अ बेस्ट क्लास नहीं बन सकता या पेरेंट क्लास नहीं बन सकता, क्योंकि वो इनहेरिटेंस को अलाउ ही नहीं करता. ओके, उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, सम रन टाइम ऑप्टिमाइजेशन कैन मेक कॉलिंग सील्ड क्लास मेंबर्स स्लाइडली फास्टर. तो हमारे पास सील्ड क्लासेस को अगर आप यूज करते हो तो थोड़ा बहुत फास्टर होती है इसकी रन टाइम कॉलिंग, सही है. उसके बाद अ मेथड इंडेक्सर प्रॉपर्टी आर इवेंट ऑन अ ड्राइव्ड क्लास दैट इज ओवरराइडिंग अ वर्चुअल मेंबर ऑफ बेस्ट क्लास कैन डिक्लेयर दैट मेंबर एज अ सील्ड. इसका मकसद बताया गया है, इसका मकसद यह है कि अगर आप किसी भी मेथड, किसी भी इंडेक्सर, इंडेक्सर्स हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ी थी, है ना, प्रॉपर्टी, और इवेंट, इवेंट भी आपको पता है कि हम किसी भी चीज को जो है मकसद किसी के किसी भी चीज के ऊपर इवेंट फायर करवाते हैं, या जैसे हमारे पास ट्रिगर होते थे डेटाबेस के अंदर. उसके बाद अन ड्राइवेड क्लास दैट इज ओवरराइडिंग अ वर्चुअल मेंबर ऑफ द बेस क्लास कैन डिक्लेयर दैट मेंबर एज अ सील्ड. अब आप यहां पे बात इसकी कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी, क्योंकि हमें पता है कि सील्ड क्लास किसी और को इनहेरिट नहीं होने देगा लेकिन किसी और को इनहेरिट कर सकता है, यानी खुद एज अ चाइल्ड क्लास बन सकता है, किसी और को इनहेरिट कर सकता है लेकिन खुद इनहेरिट नहीं होगा, राइट. अब इस सिनेरियो के अंदर अगर वो अपने चाइल्ड क्लास के मेंबर्स को कॉल करके उनको एज अ सील्ड बना देता है, उनको एज अ सील्ड, मैं आपको समझाता हूं आगे, मेरे पास एक एग्जांपल है, तो वो मेथड भी आपके पास क्या, अगर उसको कोई लास्ट क्लास यानी कि कोई दूसरा क्लास भी क्या करता है, इनहेरिट करता है, तो नहीं होने देंगे. इसका मकसद मैं आपको आगे चल के समझाता हूं. देखें दिस, यहां पे अगर मैं थ्योरी से समझाऊंगा शायद आपको ना आए समझ, तो प्रैक्टिकल से देख ले. मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है सी. अब सी क्लास के पास एक मेथड है जो एब्स्ट्रैक्ट है, डू वर्ब, है ना. लेकिन अगर मैं इस सी को किससे एक्सटेंड करवाता हूं, डी से, राइट. अब ये क्लास सील्ड नहीं है, ये क्लास सील्ड नहीं है डी वाला, लेकिन इसके अंदर मैं सील्ड मेथड बना सकता हूं, सील्ड मेथड बना सकता हूं. लेकिन आपको ये याद रहे कि सी के इस मेंबर यानी कि जो हमारा डू वर्क मेथड है, इसको बॉडी देने वाला कौन सा क्लास है, डी. अब डी क्लास ने उस सी क्लास के मेथड डू वर्क को एज अ बॉडी तो दे दी लेकिन सील्ड बना दिया. क्या बना दिया, सील्ड. इसका मकसद अगर डी को कोई और क्लास इनहेरिट करती है तो ये वाला मेथड उसको ये नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है, सील्ड है. समझ में आया, जैसे कोई क्लास इनहेरिट नहीं होती ना, वैसे किसी मेथड के सामने अगर आपने सील्ड जो है कीवर्ड दे दिया तो मेथड भी ओवरराइड नहीं होगा. कौन से समझ में आया, जैसे फाइनल अगर कीवर्ड आप किसी मेथड के साथ भी देते हो तो ओवरराइडिंग रुक जाती थी जावा के अंदर. फाइनल कीवर्ड के साथ अगर आप कोई मेथड बनाते हो जावा के अंदर तो हमारी क्या होती थी, हमारी वो हमारा वो मेथड जो है वो इनहेरिट नहीं होता था, या ड्राइव्ड नहीं, ड्राइव नहीं होता था, या ओवरराइडिंग उसकी नहीं होती थी, राइट. सो व्हाई वी यूज सील क्लासेस, इसका पर्पस क्या है. लेकिन इन सबसे पहले मैं प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके बताता हूं कि एक्चुअली काम कैसे करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सील्ड क्लास, इसको ओपन होने दें. ओके, तो हम एक क्लास बना देते हैं यहां पे जिसका नाम रख देते हैं क्लास ए. और इस क्लास को अगर मैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा नॉर्मल क्लास है, राइट. अब इसके अंदर मैं कुछ अभी तो डिफाइन नहीं करता, नॉर्मल क्लास बी भी बना देते हैं और ऐसे कर देते हैं. अब हम क्या करते हैं कि किसी भी क्लास को किसी दूसरे के साथ हम इनहेरिट कर सकते हैं. इनहेरिटेंस हम सी शार्प के अंदर डबल डॉट्स यानी कॉलम से करते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड वगैरह नहीं लिखते, राइट. तो अगर मैं बी कॉलन ए देता हूं, इसका मकसद बी एक ऐसा क्लास है जो एक्सटेंड हो रहा है किससे, ए से. तो ये नॉर्मल क्लास एक दूसरे नॉर्मल क्लास से एक्सटेंड हो सकता है, राइट. लेकिन अगर मैं क्लास ए को एज अ सील्ड बना देता हूं, क्या बना देता हूं, एज अ सील्ड, तो ये मेरे पास बी के ऊपर एरर दे रहा है, कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम सील्ड टाइप ए. इसका मकसद ये है कि हम किसी सील्ड क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. अब दूसरी बात, क्या अगर
अब देखें, अब ये इनहेरिटेंस हो रही है, अब ये सील्ड नहीं है, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं बी को सील्ड बनाता हूं तो ये देखें ए को इनहेरिट कर रहा है, तो ये खुद किसी और को इनहेरिट कर सकता है, लेकिन ये खुद कभी भी इनहेरिट नहीं होगा। लेकिन एक दूसरी बात, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और आप सील्ड क्लासेस का जब डिफरेंस पढ़ रहे थे तो तब हमारा कुछ और भी डिफरेंस आता है कि कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इनिशिएट नहीं कर सकते, यानी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन सील्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है। समझ में आया? किसी भी सील्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो, उसके मेंबर जो बनाना चाहे बना सकते हैं, नो वर्ड इज गोइंग टू स्टॉप। एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक मेथड बना देता हूं, पब्लिक ओवरराइड वाइड शो, और इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट बना देता हूं, और ओवरराइड नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि ओवरराइड नीचे होगा, राइट नाउ। अब इवन मैं एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स के, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो इसका मेंबर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का शो, इसको बॉडी भी दे सकता हूं, सही है, सील्ड के थ्रू। मैं यहां पे आता हूं और पब्लिक ओवरराइड वाइड शो, इसने एक्सेप्शन को थ्रो किया है जो हमें नहीं चाहिए, ओके नाउ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड लाइक दिस। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए ऐसे कर दिया हमने, अब एक सील्ड क्लास क्या कर रहा है, किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी दे रहा है, राइट, इनहेरिट भी कर रहा है, लेकिन खुद सील्ड क्लास कभी भी इनहेरिट नहीं होगा। दैट पॉइंट इज क्लियर आया हो। लेकिन एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल ये भी सील्ड नहीं है, ये भी नॉर्मल क्लास है, और ये वाला हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, राइट, लेकिन अगर मैं इस क्लास को एज अ सील्ड बना देता हूं, मेंबर को या मेथड को क्या बना देता हूं, तो ये क्या बता रहा है, कैन नॉट ओवरराइड इनहेरिटेड मेंबर ए डॉट शो बिकॉज इट इज सील्ड। तो किसी मेथड को भी अगर आप सील्ड कीवर्ड के साथ बनाते हो तो मेथड भी क्या नहीं हो सकता, इनहेरिट नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम इसको, आप वैसे संभाल लो, समझ में आया। तो किसी भी हमारे जो है सील्ड मेथड को भी आप इनहेरिट ओवरराइड नहीं कर सकते, और ना आप किसी क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अपने सील्ड क्लास का, और आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, सही है। सील्ड क्लास अपना ऑब्जेक्ट खुद बना के अपने मेंबर्स को खुद कॉल कर सकता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ऑलवेज डिपेंडेंट होते हैं अपने ड्राइविड या चाइल्ड क्लासेस, क्योंकि उनके मेंबर्स को बॉडी देने वाले उनके ड्राइविड क्लासेस या हमारे इनहेरिटेड क्लासेस होते हैं। अब दूसरी बात, इसका पर्पस भी समझाता हूं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स। तो सील्ड क्लासेस आर वर्किंग एज अ स्ट्रक्चर्स। सील्ड क्लास कैसे काम कर रहे हैं, एज अ स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर हमारे क्या होते हैं, जैसे आपने एक चीज पढ़ी होगी इंटीजर, आई होप सो आपने पढ़ा होगा, इंटीजर ए बना देते हैं। अब मैं राइट क्लिक करके इंटीजर के ऊपर गो टू डेफिनेशन में जाता हूं, गो टू डेफिनेशन या F12 लगा दे आप, तो आप यहां पे आ जाएंगे। स्ट्रक्चर श्योर है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो होते हैं ये भी कभी भी इनहेरिट नहीं होते, स्ट्रक्चर भी इनहेरिट नहीं होते, ये खुद इनहेरिट नहीं होते, किसी और को इनहेरिट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हमारा सीलिड ग्लास है ना, वो किसी और को तो इनहेरिट कर लेता है लेकिन खुद कभी भी इनहेरिट नहीं होता। अब एज इट इज स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे, वो भी क्या होते हैं, वो भी एक एज अ सील्ड काम करते हैं, वो खुद कभी भी इनहेरिट नहीं होते, किसी और को इनहेरिट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा एक और चीज, पर्पस क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस सील्ड ग्लास। अब सबसे पहले, मार्किंग अ क्लास एज सील्ड प्रिवेंट्स टेम्परिंग ऑफ इंपॉर्टेंट क्लासेस दैट कैन कंप्रोमाइज सिक्योरिटी और इफेक्ट परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले देख ले भाई, जब भी आप किसी क्लास को, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि कोई ऐसा क्लास है जिसके अंदर आपने
कोई ऐसा डेटा दिया है जो आप किसी और मेंबर से उसको इनहेरिट नहीं करवाना चाह रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हो, उसके अंदर कुछ ऐसे हमारे फाइल होते हैं जिनको हम यूजर्स को नहीं दिखाना चाहते, राइट? या कुछ अगर आप किसी सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो, कुछ ऐसी चीजें जिसको आप इनहेरिट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आगे चल के हम एक मेथड पढ़ेंगे, एक्सटेंशन मेथड्स हमारे पास कुछ होते हैं, एक टॉपिक है जिसके थ्रू हम ऑलरेडी डिफाइंड क्लासेस के मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, बॉडी दे सकते हैं उनको। इवन फॉर एग्जांपल, मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूं कि कोई एक ऐसा क्लास जिसका कोई ऑलरेडी मेंबर है, जैसे लेंथ मालूम करते हैं ना स्ट्रिंग की, एक मेथड है ना उसका स्ट्रिंग क्लास का, क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूं? यस वी कैन, उसकी फंक्शनलिटी चेंज कर सकते, राइट? तो लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार ऐसी चीजें ना, मैंने जो चीजें बना के फिक्स कर दी उसको कोई और चेंजेस ही ना करे, तो उस सिनेरियो के अंदर हम सील्ड क्लासेस को यूज करते हैं कि मैंने एक क्लास बनाया, उसके अंदर जो भी मेथड दिए वो वहीं तक रहे, उसको कोई और इनहेरिट ना करे, या उनके अंदर, उन मेथड्स के अंदर कोई और चेंजेस ना करे। और many times sealing a class also makes sense when one is designing a utility class with fixed behavior. वही बात है, which we don't want to change. कि आप utility यानी कोई class बनाना चाह रहे हो, सही है, और इस class के अंदर जो हम अपनी functionality दे रहे हैं उसको fix करना चाह रहे हैं, सही है? अब उस functionality यानी उस methods को हम किसी और class के through changes नहीं करने दे रहे, सही है भाई? क्योंकि इनहेरिटेंस होगी तो जाहिर है चेंजेस होंगी, है ना? मैं किसी भी क्लास के किसी भी मेंबर को कॉल करके उससे अपना काम ले सकता हूं, है ना? तो ये वाला काम अगर आप रोकना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज सील क्लास। दूसरी बात, फॉर एग्जांपल, सिस्टम नेम स्पेस इन सी शार्प प्रोवाइड्स मेनी क्लासेस व्हिच आर सील्ड। अब सी शार्प के अंदर हमारे पास एक नेम स्पेस है सिस्टम, कौन सी सिस्टम? इस सिस्टम नेम स्पेस के अंदर जो आपको सबसे पहले दिखती है, यहां पे आ जाए, व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क विथ सी शार्प, देयर इज अ नेम स्पेस एट फर्स्ट लाइन, दिस वन, यूजिंग सिस्टम यूज करते हैं। इस सिस्टम नेम स्पेस के अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, है ना? वो क्लासेस हमारे पास ऐसे हैं जो वो सील्ड है, वो क्या है? सील्ड है। इवन स्ट्रिंग क्लास यूज करते हो आप, स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग भी सील्ड है, स्ट्रिंग भी सील्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू डिफाइन अ स्ट्रिंग वेरिएबल एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट स्ट्रिंग एस, राइट, राइट क्लिक ऑन स्ट्रिंग, गो टू डेफिनेशन एंड सी स्ट्रिंग इज सील्ड क्लास। इसका मकसद ये है कि स्ट्रिंग के जो ऑलरेडी डिफाइंड मेथड्स हैं, मेंबर्स हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस क्लास इज सील्ड। समझ में आ रहा है? तो जो सील्ड क्लासेस इवन आपको शीशा बना के दे रही है या आप बनाते हो, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हो, उनको कोई और चेंज नहीं कर सकता, उनके मेथड्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है सबको? ओके, उसके बाद इट वुड बी पॉसिबल टू एक्सटेंड इट इज फंक्शनलिटी जब आप इनहेरिटेंस करते हो, व्हिच माइट बी अनडिजायरेबल एज इट इज फंडामेंटल टाइप एंड गिवन फंक्शनलिटी। अच्छा, एक बात और जो मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूं, सिमिलरली स्ट्रक्चर्स इन सी शार्प आर ऑलवेज इम्प्लिसिटली सील्ड। जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास सी शार्प के अंदर, वो ऑलवेज क्या होते हैं? इम्प्लिसिटली हमारे पास क्या होते हैं? वो सील्ड होते हैं, बाय डिफॉल्ट सील्ड होते हैं। आप सील्ड कीवर्ड दें, सॉरी ना दें, दें या आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पास वो क्या होते हैं? सील्ड होते हैं, यानी कि आपको सील्ड देने की जरूरत नहीं है। जैसे इंटरफेसेस नहीं होते, इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, है ना? वहां पे हम क्या एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड देते? नहीं देते। एज इट इज हमारे पास जो सील्ड क्लासेस बनते हैं वो सील्ड कीवर्ड से बनते हैं, सही है? और अगर आप बनाना चाह रहे हो स्ट्रक्चर, तो सील्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? वो बाय डिफॉल्ट इनहेरिट होता ही नहीं है, स्ट्रक्चर को कभी भी आप क्या नहीं कर सकते, एक्सटेंड कर ही नहीं सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी क्लास के थ्रू, ये याद रहे, स्ट्रक्चर को हम और पढ़ेंगे, लेकिन किसी क्लास के थ्रू स्ट्रक्चर को एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है? स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर पे आते हैं हम, सही है?
कि कोई स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को इनहेरिट कर सकता है या नहीं, सही है। अच्छा दूसरी बात, समटाइम्स व्हेन यू आर बिल्डिंग क्लासेस हायरार्कीज यू माइट वांट टू कीप ऑफ अ सर्टेन ब्रांच इन इनहेरिटेंस चेन बेस्ड ऑन योर डोमेन मॉडल और बिजनेस। भाई सबसे पहले आप ये देख लें कि कहीं पे भी अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो, ठीक है, और वहां पे आप इनहेरिटेंस को रोकना चाह रहे हो, देन यू हैव टू यूज सील्ड क्लासेस। व्हेन यू हैव टू वर्क विद सिक्योरिटी, आप अपनी ऐसी चीजों को जिनको सिक्योर करना चाह रहे हो, सही है, तो अच्छा उनसे अगर सिक्योर करते हो ड्राइव भी नहीं होते तो उसकी क्या होती है, परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, राइट। लेकिन ये आपके पास कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, सही है। पहले आप क्या करें कि सील्ड क्लासेस ना बनाए तो बेहतर, पहली बात तो ये, क्योंकि सील्ड क्लास बनाने में कितना टाइम लगता है, सील्ड कीवर्ड ही तो देना है ना। तो पहले आप इसको एज अ नॉर्मल क्लास यूज करें, लेकिन आपको जब लगे कि यार सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं, देन यू हैव टू यूज ओनली सील कीवर्ड। बट ये याद रहे कि उस क्लास को अगर आप ज्यादा इनहेरिट नहीं कर रहे हो, अगर इनहेरिट कर रहे हो देन यू डोंट हैव टू यूज सील क्लासेस, राइट। सो इट इज ओवरऑल सिनेरियो अबाउट सील क्लासेस। आई होप यू आपको ये समझ में आ गया होगा।